हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, आज हमें राजा जी नेशनल पार्क में और 9 मई है, वीडियो में लेट अपडेट कर रहा हूँ। ये 9 मई का है जब राजा जी नेशनल पार्क गया था मैं। डबिंग अलग से कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह थे। और जैसे ही हम एंटर करते हैं राजा जी नेशनल पार्क में, गेट से जस्ट अंदर ही गेट की साइड में खड़ी थी हिरने बहुत हैं यहाँ पर, मोर बहुत हैं और हाथी बहुत हैं, ये आपको इजली देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और तेंदुए हैं, लेकिन तेंदुए रेयरली नज़र आते हैं, दिख जाए तो किस्मत है। यानी हिरने तो देखिए, हम गेट से अंदर घुसे हैं, जस्ट गेट के बराबर में खड़ी हैं हिरने, तो हिरनों का तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए किरण ये भी खड़ी है सामने, काफ़ी करीब से। मेरे पास DSLR तो है नहीं, मोबाइल से ही बना रहा हूँ तो काफ़ी क्लियर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि हिरन है और उसका बच्चा है उसके साथ में। यहाँ पर ये देखिए एक जंगली मुर्गा है, मेरा कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर तो नहीं कर पा रहा, लेकिन शायद नज़र आ रहा होगा आपको। ये ड्राइवर भी रुक नहीं रहा, तेज़ी में चल रहा है ये। और इधर में भी कुछ था लेकिन वे निकल गया। और ये काफ़ी अंदर आने के बाद, लगभग आधी सफारी होने के बाद, यहाँ पर है ये ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर ये हाथियों को ट्रेनिंग देते हैं। जो हाथी आदमखोर हो जाते हैं उनको ये यहाँ पर ले आते हैं और फॉरेस्ट के काम के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस हाथी को ट्रेनिंग के लिए लाया गया है, ये ट्रेनर है इसके ऊपर में जो इसे ट्रेनिंग दे रहा है। फिर ये हाथी वन्य कार्यों में अपना सहयोग देते हैं, काफ़ी अच्छा काम है। पहले तो मार दिया जाता था ऐसे हाथियों को, लेकिन अब मारते नहीं हैं, अब उन्हें पालतू बनाकर उनसे काम लिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। 9 मई, बहुत गर्मी है, यानी कि मैंने एक गाइड थे जान पहचान वाले, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना दोपहर में ये जानवर ज़्यादा दिखाई देंगे। मुझे चाहिए था कि मैं सुबह में आता, ऐसा लग रहा है जैसे जल रहे हो। आप सोचिए 9 मई की गर्मी और ये खुला मैदान बिल्कुल, तो बहुत ही गर्म हवा, काफ़ी पानी कंज्यूम कर चुके हैं हम, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर की गर्मी है। लेकिन जल्दी ये मैदानी इलाका ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद डेंस्ड फॉरेस्ट आ जाता है और उसके बाद माउंटेन वाला इलाका आता है, तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी छाया ही है तो थोड़ी राहत भी है। जानवर जिस हिसाब से कहा था उस हिसाब से नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, दिखेंगे तो हैं ही, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि हाथी हिरन मोर और मुर्गियाँ जंगली वो बहुत मिलती हैं। सफारी का मैं आपको टाइमिंग का बता देता हूँ कि टाइमिंग का कैसे होता है सफारी का। देखिए यहाँ पर कुछ खड़ा है, दिखा रहा है हमारा, हाँ देखिए सांबर खड़ा है वो पेड़ के नीचे, ब्लैक ब्लैक, लेकिन कैमरा नहीं है मेरे पास DSLR, तो इतना अच्छा मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। वहाँ उस पेड़ के नीचे सांबर है। तो सफारी का होता ऐसा है कि 16 नवंबर से 16 जून तक सफारी खुली रहती है। आप सुबह 6 से शाम 4 बजे तक एंट्री होती है जंगल में, इसमें आ सकते हैं। लगभग आप ये मान के चलिए कि एक गाड़ी का खर्चा, अगर 6 लोग बैठते हैं गाड़ी में, उसका 2600 रुपये एक गाड़ी का खर्चा आता है। आप आ सकते हैं किसी भी रेंज में, हरिद्वार में, मोतीचूर में, या यहाँ पर ही एक छोटी सा ट्रैक है BHL लगता है हरिद्वार के पास में, वहाँ पर मोतीचूर का भी ट्रैक छोटा है, लेकिन ये हरिद्वार में आए हुए हैं हम, तो यहाँ का ट्रैक काफ़ी लंबा है, 30 किलोमीटर का ये ट्रैक है और काफ़ी कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आपको हाथी तो यहाँ मिल ही जाते हैं, बाकी मोतीचूर वाले में भी हाथी मिल जाते हैं, लेकिन जो BHL वाला है इनका, वहाँ पर हाथी नहीं मिलते। तो सबसे बेहतर है कि आप हरिद्वार वाले में आएँ, क्योंकि ये 30 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 2600 रुपये देते हैं तो कम से कम कुछ घूम तो लेते हैं। देखिए सामने हाथी खड़ा है पेड़ के नीचे, अब मैंने वही कहा था कि आपको हाथी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, हाथी बहुत हैं पेड़ के नीचे में, हाथी खड़ा है। DSLR होता तो बहुत अच्छा दिखा पाता मैं, लेकिन कैमरा से ऐसा ही दिखेगा। हाथी हमें आगे और भी दिखेंगे, हाथियों की कोई कमी नहीं है इस जंगल में, हाथी बहुत हैं। अब थोड़ा आगे घना जंगल आएगा तो थोड़ी राहत होगी, वैसे अभी भी मैदान ख़त्म हो चुके हैं तो काफ़ी राहत है, काफ़ी सुंदर लगता है जंगल के अंदर आकर, क्योंकि जंगल का नज़ारा शहरों के लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे हम तो राजा जी नेशनल पार्क के करीब ही रहते हैं तो हमें इतना ज़्यादा अनोखा नहीं लगता, लेकिन जो लोग शहरों से आते हैं उनको लगता है कि काफ़ी अनोखा है।
देखिए काफ़ी खूबसूरत पगडंडी आ गई है और हम इस पर चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे धूप वाले एरिया कम होते जाएंगे, हम पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ बहुत हैं इस ट्रैक पर, लास्ट का पूरा ट्रैक पहाड़ का ही है। वहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, सुहाना मौसम। गाड़ियाँ सब एक साथ एंटर करती हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ के हाथी कभी कभी हमला कर देते हैं। वैसे वो डराने वाला हमला करते हैं, वैसे नहीं करते, लेकिन ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ हो तो कोई दिक्कत होने पर गाड़ियाँ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो इसलिए ये इस तरीके का रहता है। और आप देखिए अब पहाड़ी सा इलाका इतना शुरू हो गया है, धूप कम हो गई है और ठंडक भी थोड़ी बढ़ गई है। अब हालत उतनी ख़राब नहीं है जितनी शुरू में थी। काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन जानवर उतने नहीं दिख रहे जितने कि हमें गाइड ने कहा था कि आप दोपहर में आएंगे तो ज़्यादा दिखेंगे। मेरा अपना आइडिया सही था, अगर मैं सुबह में आता तो मुझे ज़्यादा जानवर मिलते, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सुबह में आया था तो काफ़ी जानवर मुझे मिले थे। अभी तक तो हमने हिरने और हाथी देखे हैं। वैसे यहाँ पे हिरने, हाथी और मोर के अलावा ज़्यादा कुछ दिखने की मुझे उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि तेंदुआ तो मुश्किल से ही दिखाई देता है। काफ़ी डेंस आ गया जंगल। देखिए यहाँ पर हिरने खड़ी हैं सामने। हिरने आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी, ये 12 सिंगा है, जिसके 12 सिंग होते हैं। 12 सिंग कहते हैं, 12 नहीं होते टेक्निकली, लेकिन इसे 12 सिंगा कहते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी बड़े झुंड को ये पूरा हैंडल करता है अपने साथ। और ये देखिए इसका झुंड भी इसके साथ है, तो काफ़ी करीब है ये, वो मोबाइल से दूर लग रहा है लेकिन हमारे काफ़ी करीब है। और काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है देखने में, बच्चे भी हैं इनके साथ में, तो ये ऐसे ही झुंड में रहते हैं। ये काफ़ी देखने को मिलेंगे अगर आप इधर आए राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार में। हाथी भी बहुत मिलेंगे, हाथी भी नो डाउट बहुत है यहाँ पे, हाथियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, चुग रहे हैं। अरे इन्हें डर भी नहीं लगता, देखिए ये हमारे से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर होंगे और ये भाग नहीं रहे डर कर। अब ये थोड़ा लास्ट वाला एरिया चल रहा है, अब पहाड़ की तरफ आ गए हैं हम। उसके बाद बस आधे के करीब कवर हो चुका है, आधे से ज़्यादा एरिया। जानवर तो हैं लेकिन वो DSLR होता तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देते, हमारा ड्राइवर दिखा रहा है लेकिन वो हमारे कैमरे की रेंज में नहीं आ रहे हैं। लेकिन रास्ते बहुत खूबसूरत हो गए हैं जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसे रास्ते बहुत पसंद है, जिस तरह के रास्ते ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। पत्ते पड़े हैं दोनों तरफ, दरख्त ही दरख्त हैं, और हम चले जा रहे हैं इसमें। अब पहाड़ का ही से उतार वाला रास्ता है ये, और ये अंत की तरफ ही आ रहे हैं। अब आगे मैदान से आएंगे, फिर हल्का सा पहाड़ आएगा और फिर ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। हमने हाथी देखे, हिरन देखी, मोर अभी तक कोई नहीं दिखा। आगे मैदानी इलाका है, देखिए एक मोर दिख गया है कम से कम, वो जा रहा है दूर में है काफ़ी, मोबाइल में भी कैप्चर हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको मोर बहुत देखने को मिलते हैं, पता नहीं आज क्या इत्तफाक है कि मोर नहीं मिले। हज़ारों के झुंड मैंने देखे हैं यहाँ पे मोरों के, यानी कि मैदान पूरा मोरों से भरा हुआ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। देखिए वहाँ पर सामने में एक हिरन है, नील गाय भी हमने देखी है, इसमें शुरुआत में ही हमने देखी थी, और ये हिरन थी। ये ड्राइवर भी तेज़ी के मूड में है, इसे भी पता है कि लास्ट राउंड है ये आज का, तो जल्दी जल्दी निपटाइए और चलिए। तो दोस्तों ये है राजा जी नेशनल पार्क, दिखने को बहुत जानवर दिख सकते हैं और दिखने को बहुत कम दिख सकते हैं, ये किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। हमें फिर भी दिख गए थोड़े बहुत, 2 घंटे की सफारी में आप ये कहिए कि 15 मिनट जानवर दिखे हैं, ये काफ़ी है, ना दिखने से तो बेहतर है। आप आएंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दें। लास्ट टाइम मेरी साली साहिबा आई थी तो उनके पीछे हाथी दौड़ पड़े थे उनकी गाड़ी के, और वो लोग आधी सफारी छोड़कर भाग गए थे,
तो ऐसा भी एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है जो काफ़ी रोचक हो। हम तो चाहते थे कि आती भागे, लेकिन हमारी तब तो आतियों ने देखा ही नहीं, खड़े रहे वो पेड़ के नीचे, हमें देखा ही नहीं उन्होंने। तो इस तरीके से कुछ कुछ लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो जाता है, हमारे साथ उतना एडवेंचरस नहीं हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको ये सफ़र पसंद आया होगा, जंगल अच्छा लगा होगा, काफ़ी घना जंगल है और रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। और इसी के साथ ये सफ़र अब खात्मे की तरफ है, थोड़ी सी दूर और रह गए हैं हम अपनी मंजिल से, उसके बाद हम फॉरेस्ट से बाहर निकल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी कभी फॉरेस्ट में जाना पसंद करते होंगे तो इस फॉरेस्ट में ज़रूर आएंगे। और आइएगा तो सर्दी के मौसम में आइएगा, और सुबह के सर्दियों के मौसम में शाम की सफारी लीजिएगा, और गर्मियों में आए तो सुबह की लीजिएगा। शाम के समय में बहुत ज़्यादा जानवर आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।